डियर टीम, कामधेनु पेंट्स के पैकेट में आपको टू टाइप्स के कूपन मिलते हैं, फर्स्ट जिसमें अमाउंट होता है, सेकंड जिसमें पॉइंट होते हैं। जो भी सेल्स ऑफिसर डीलर विजिट करते हैं डीलर शॉप पर, वो जो भी ये टोकन है जिसमें अमाउंट है, जो भी आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं, टोकन 250, टोकन 1, टोकन 10, इस टाइप के जो भी टोकन हैं, इनको कामधेनु टीम्स एप्लीकेशन में उस डीलर को सर्च करेंगे जिस डीलर पर आप गए हैं, और इन टोकन्स को आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद इन टोकन्स में जो भी अमाउंट होगा वो डीलर के लेजर में ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो भी उनका लेजर है उसका CN हम मंथली बेसिस पर पंच कर देंगे। आपको ये टोकन डीलर से कलेक्ट करने हैं, कलेक्ट करने के बाद डिपो ले जाकर इनको डिस्ट्रॉय करना है। याद रखना है आपको ये टोकन्स हेड ऑफिस कुरियर नहीं करने हैं, और जो भी ये टोकन अमाउंट वाले कूपन हैं यही आपको टीम एप्लीकेशन में स्कैन करने हैं। सेकेंड जो पॉइंट वाले टोकन हैं जो अभी आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं, इस टाइप के कूपन को आप कामधेनु टीम्स एप्लीकेशन में डीलर के लेजर में अपडेट नहीं करेंगे। बाय मिस्टेक अगर आप ये करते हैं तो वो कूपन जीरो हो जाएगा। ये टोकन्स ओनली पेंटर्स के लिए हैं, इनको आपको पेंटर एप्लीकेशन में ही स्कैन कराना है। नीचे आप देखिए वेदर क्लासिक ATR पॉइंट्स लिखा हुआ है 1 लीटर का, इसमें ओनली पॉइंट्स हैं, ये आपको क्लियरली शो हो रहा है ATR पॉइंट्स, ये पॉइंट कूपन है। इस कूपन को आपको पेंटर एप्लीकेशन में ही स्कैन कराना है, डीलर एप्लीकेशन में या टीम एप्लीकेशन में नहीं करना है। जो भी ये कूपन्स हैं आपको टोकन 250 इस टाइप के टोकन है जिस पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है टोकन, इसमें अमाउंट है, इसको ही आपको टीम एप्लीकेशन में स्कैन करना है। ये सेकंड कूपन है अपने जो पेंटर्स के लिए हैं, इन टोकन्स को आप कलेक्ट करेंगे डीलर से, कलेक्ट करने के बाद हेड ऑफिस कुरियर करेंगे। सिर्फ ये पॉइंट कूपन ही आपको इसके कलेक्ट करके हेड ऑफिस कुरियर करने हैं, और जो ये टोकन कूपन है इनको आप डिस्ट्रॉय करेंगे। अभी जो आपको नए टोकन्स मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे, जिसमें फ्रंट साइड पर आपको ATR पॉइंट्स मिलेगा और बैक साइड में आपको ये टोकन 10 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 10 रुपये का अमाउंट है। इस टाइप के टोकन मिलेंगे, इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ये जो ATR पॉइंट्स लिखा हुआ है इस कूपन को पेंटर स्कैन करेगा क्योंकि इसमें पॉइंट्स हैं, और बैक साइड जो है इसमें टोकन 10 इसको डीलर की एप्लीकेशन में स्कैन कराना है या टीम एप्लीकेशन से आप स्कैन करेंगे। इसमें जो भी अमाउंट होगा वो डीलर को के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो पेंटर के लेजर में ऐड हो जाएंगे। याद रखना है आपको पॉइंट एप्लीकेशन पॉइंट्स वाले कूपन को आप नहीं करेंगे डीलर एप्लीकेशन में या टीम एप्लीकेशन में, और जो ये टोकन लिखा हुआ है टोकन 10 इस टाइप के कूपन्स को आप पेंटर एप्लीकेशन में स्कैन नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।